जोन 3 के डीसीपी गजानंद राजमाने को अधीक्षक के रूप में मुंबई फोर्स 1 में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद में जोन 3 में गोरख भामरे को पदभार दिया गया है। इस मौके पर तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि नागपुर शहर में जोन 3 की अगर बात करें रूप में एक सिंगम अधिकारी के रूप में उभरे हुए थे, जिनसे न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि अच्छे अच्छे आरोपी भी डरते थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शहर के नामी गुंडों को तड़ीपार किया था। टाइम कंट्रोल साठी आमचा विशेष भर हा प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन, सतर्क पेट्रोलिंग, कॉम्बिंग ऑपरेशन्स, गुन्हेगारांवर जे रेकॉर्डरचे गुन्हेगार आहेत त्यांना सतत चेकिंग करून त्यांच्यावर वचक ठेवणे ही आपली पॉलिसी होती, ती यानंतरही कंटिन्यू असणार आहे। गुन्हेगारी प्रवृत्तींना कोणत्याही प्रकारे स्वतंत्र मिळता कामा नये, त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीज करण्यासाठी हा आपला फोकस असणार आहे। इलिगल ॲक्टिव्हिटीजवरही आपण पूर्णपणे कंट्रोल ठेवणार आहोत। कोणत्याही प्रकारच्या अशा प्रवृत्तींना पाठबळ मिळणार नाही। कोणतीही माहिती असेल तर नागरिकांनी शेअर करावी, अशा कोणत्याही ॲक्टिव्हिटीजला बिलकुल थारा दिला जाणार नाही।